हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर सीएन कोर्स। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है उसमें कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। हमने बाकी लेयर्स देख लिए हैं, बट अब हम एप्लीकेशन लेवल में कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इन एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी वी आर गोइंग टू सी कि एप्लीकेशन लेयर में हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें किस तरीके से कीज एक्सचेंज होती हैं एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ईमेल। And the protocol which is used here is PGP, which is your pretty good privacy. So now let's jump on how we are actually sharing those keys among the sender and the receiver. But उससे पहले हमें यहाँ पे एक चीज जाननी होगी कि हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में एक चीज पढ़ी थी सेशन। जो हमारे यूजर्स हैं उनके बीच में कोई सेशन क्रिएट होता था, उसी के बाद डेटा शेयर होता था। बट यहाँ पे सेशन नहीं क्रिएट हो सकता। वाई? बिकॉज अगर हमारा ए और बी दो हमारे मीन सेंडर और रिसीवर हैं, सो जरूरी नहीं है कि जब ए को बी को मेल भेजना है तो बी उस टाइम ऑनलाइन हो या फिर एक्टिव हो। जरूरी नहीं है कि बी उस टाइम एक्टिव हो। सो ए बी को कैसे सेंड करेगा मैसेज विदाउट क्रिएटिंग अ सेशन, दैट ऑल्सो वी विल सी इन पीजीपी। मीन्स वी क्रिएट अ सेशन हेयर एंड हाउ दैट सेशन इज क्रिएटेड विदाउट मीन्स द सेकेंड रिसीवर इज एक्टिव, दैट्स वी आर गोइंग टू सी इन पीजीपी। सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो पीजीपी है उसमें की एक्सचेंज कैसे होता है। सो हमने ये तो देख लिया कि हमारा पीजीपी में सेशन तो क्रिएट नहीं हो सकता। सो बट हमें डेटा तो एक दूसरे दूसरे पॉइंट में भेजना है। सो कैसे हमारा एक शेयर्ड सेशन बनता है और किस तरीके से वो कीज की मदद से ऑथेंटिकेशन हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी, अगर हमारा ए है और बी है, हमें ए टू बी कुछ डेटा भेजना है। सो हम एक प्लेन टेक्स्ट डेटा डायरेक्टली भेजते रहे। सो इस डेटा में अभी हमने कुछ प्रोवाइड नहीं करा है, ना ऑथेंटिकेशन करा है ना कुछ। सो ये डायरेक्टली ऐसे भी जा सकता है, जब बी मतलब एक्टिव आएगा वो देखेगा कि ए ने कुछ डेटा भेजा है एंड बी उस डेटा को ले लेगा। सो इसमें क्या हुआ कि अगर कोई बाहर से अटैकर भी आ जाता है तो वो भी इस डेटा को इजिली एक्सेस कर सकता है, बिकॉज इसमें ना कोई ऑथेंटिकेशन है ना कोई इंक्रिप्शन है। सो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको ए की जो प्राइवेट की है उससे लॉक कर देंगे। ए के पास अपनी प्राइवेट की होगी, ये डेटा उससे लॉक हो गया। अब जब बी को ये डेटा एक्सेस करना होगा तो बी को क्या चाहिए, बी को चाहिए ए की एक पब्लिक की उसके पास होनी चाहिए ताकि वो इस डेटा को एक्सेस कर सके। मतलब जब बी एक्टिव आया उसने देखा उसको ए ने कोई डेटा भेजा है, वो अपनी वो ए की पब्लिक की यूज करके उस डेटा को एक्सेस करेगा। सो इससे हमारी एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी डेटा में ऐड हो गई। इस डेटा के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंप्रेस करेंगे तो उससे हमारे को सिक्योरिटी तो नहीं ऐड होगी, बट जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक है उस ट्रैफिक में वो मतलब ट्रैफिक को रिलीफ मिलेगा, जल्दी हमारा डेटा सेंड हो सकता है, ज्यादा डेटा हम सेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें मोर लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करेंगे यूजिंग पब्लिक कीज एंड प्राइवेट कीज ऑफ बोथ। अभी तो हम यहाँ पे केवल जो सेंडर है उसी की पब्लिक और प्राइवेट की यूज कर रहे थे, बट अब हम करेंगे सेंडर और रिसीवर दोनों की पब्लिक और प्राइवेट कीज यूज और उसके थ्रू हम डेटा को शेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट कि हमारे पब्लिक कीज और प्राइवेट की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, पब्लिक कीज क्या है प्राइवेट कीज क्या है, दिस यू ऑल शुड नो। एंड इफ यू डोंट नो इज आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियोज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, बिकॉज बिना पब्लिक और प्राइवेट की कॉन्सेप्ट के हम लोग ये कैसे वर्क कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। सो नाउ लेट मी टेल यू कि हम इसमें कैसे ए टू बी डेटा सेंड कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं और किस तरीके से बी उस डेटा को एक्सेस करेगा जो ए सेंड करने वाला है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ए और बी दोनों के पास क्या होगा, अपनी पब्लिक प्राइवेट की और रिसीवर ए के पास अपनी प्राइवेट की होगी और रिसीवर की पब्लिक की होगी। ओके एंड बी के पास क्या होगा, अपनी प्राइवेट की तो होगी होगी बट जिससे उसे रिसीव करना है उसकी पब्लिक की होगी। आई गेस दिस इज फाइन। दो दो कीज दोनों के पास है, बी के पास भी दो कीज है, ए के पास भी दो कीज है। अब जब ए डेटा सेंड करना चाहता है बी को, ए एक सेशन क्रिएट करता है। दिस ब्लू थिंग इज रेफरिंग टू अ सेशन, ब्लू ब्लॉक। इस सेशन को क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है इस सेशन को विद द हेल्प ऑफ मतलब इस सेशन को वो लॉक कर देता है एक शेयर्ड सेशन की हेल्प से, और इस सेशन की को वो लॉक करेगा बी की पब्लिक की हेल्प से। जो ए के पास बी की पब्लिक की थी वो इसे सेशन को लॉक करेगा विद पब्लिक की ऑफ बी, पब्लिक की ऑफ बी। ये क्यों हो रहा है वी विल सी आफ्टरवर्ड्स कि इससे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। सो इसने सेशन की क्रिएट करी, सेशन क्रिएट से सेशन को लॉक करा, उस सेशन की को लॉक करा उसने विद
विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की ऑफ बी, और जो मैसेज था वो उसने अपनी प्राइवेट की से लॉक करा, प्राइवेट की से लॉक कर दिया इसको उसने अपनी। सो अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एक्चुअली कैसे प्रोवाइड हो रही है इसमें। अब हम मान लेते हैं कि हमारा डेटा पहुंच गया बी के पास, बी एक्टिव हो गया, बी ने देखा हाँ उसको ए ने कुछ डेटा भेजा है। अब बी उस डेटा को कैसे एक्सेस करेगा वो हम देखेंगे। बी सबसे पहले देखेगा एक शेयर्ड सेशन की क्रिएटेड है, उस शेयर सेशन की को वो सबसे पहले अपनी प्राइवेट की हेल्प से ओपन करेगा, बिकॉज वो पब्लिक की से लॉक थी बी की, तो अपनी प्राइवेट की से सबसे पहले इसको लॉक करेगा। नाउ ही गॉट दिस की, अब उसको सेशन की मिल गई, इस सेशन की से अब वो करेगा सेशन को अनलॉक। अब उसके पास है कंप्रेस्ड मैसेज जो कि लॉक्ड है, और इसको वो अनलॉक करेगा विद द हेल्प ऑफ एज पब्लिक की जो बी के पास है, ए की पब्लिक की है बी के पास, इसकी मदद से वो इसको अनलॉक करेगा। सो यू सॉ देयर कि हमारे पास कितनी वो थी यहाँ पे, फर्स्ट हमने अपनी पब्लिक की यूज़ करी अगर हम रिसीवर हैं तो, अपनी प्राइवेट की यूज़ करी, फिर हमने सेशन की यूज़ करी, उसके बाद हमने पब्लिक की यूज़ करी। सो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज आर एडेड व्हेन वी आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ कीज। अगर यहाँ पे कोई सी होता और सी उस डेटा को एक्सेस करने की सोचता तो नहीं कर पाता। अगर मान लेते हैं हम उसके पास गलती से बी की पब्लिक की आ भी गई, तो उसके पास ए की पब्लिक की क्या पता ना हो, अगर ए की पब्लिक की है तो उसके पास क्या पता बी की पब्लिक की ना हो। सो वो कभी इस डेटा को यूज कर ही नहीं पाएगा, मतलब उसको वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा जब तक उसके पास सब सारी कीज अवेलेबल नहीं है, तब तक उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। पीजीपी में हमारा डेटा किस तरीके से की एक्सचेंज होती है, किस तरीके से वो सिक्योर रहता है, ये इसी तरीके से हमारा डेटा इसमें इनक्रिप्ट भी रहता है और इसी तरीके से हम लोग इसको शेयर करते हैं। वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, इसमें हमारा सेशन नहीं क्रिएट होता है, ये एक वर्चुअल सेशन टाइप का ए क्रिएट कर रहा है, एंड जब भी एक्टिव आएगा वो उस सेशन में जाएगा और उसको फिर एक्सेस करेगा, मतलब उस मैसेज को एक्सेस करेगा यूजिंग इट्स कीज। एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज, ये जो ए और बी हैं ये यूजर्स नहीं हैं, ये यूजर एप्लीकेशन हैं। ये काम कीज एक्सचेंज करने का, लॉकिंग अनलॉकिंग, सेशन बनाने का, ये सारा काम हमारी जो एप्लीकेशन है वो करेगी, ना कि यूजर्स डायरेक्टली। बट यूजर्स क्या कर सकते हैं, यूजर ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी से डेटा आए तो वो हमारे पास ना आए, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं यूजर किसी को, पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक कर सकता है, मतलब रिसीवर किसी पर्टिकुलर सेंडर को ब्लॉक कर सकता है, ये चीज यूजर कर सकता है। बट अगर हमारा मतलब अनब्लॉक है या फिर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी अगर नॉर्मल एंटिटीज हैं तो उनके बीच में जो डेटा शेयर हो रहे हैं, जो की शेयर हो रही है, ये सारा काम हमारे एप्लीकेशन देखते हैं, ना कि यूजर्स। एक और चीज़ हमें इसमें देखनी है कि हमें तीन चीज़ें कैसे प्रोवाइड हो रही है, मतलब सबसे पहले हमारी इंटेग्रिटी, इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड हो रहा है, किस लेवल पे प्रोवाइड हो रहा है वो हम देखते हैं, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन। तो सबसे पहले जो हमारी शेयर्ड सेशन की है वो हम क्योंकि अपनी प्राइवेट की से ही खोल सकते हैं, तो ये तो हमारा हो गया ऑथेंटिकेशन कि सही व्यक्ति ही जिसको हमने भेजा है डेटा वही उसको वही उस डेटा को ले सकता है, ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट जो हम सेशन को मतलब लॉक कर रहे हैं ये हम इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा सेशन है जो हम लॉक कर रहे हैं ये हमारा इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड थर्ड इज कि मैसेज जो है वो ए से ही आया है, कि हम ए की पब्लिक की से उसको खोलेंगे, सो उससे हमें पता लग रहा है कि मैसेज की इंटेग्रिटी क्या है, वो कोई मेलिशियस मैसेज तो नहीं है, सारा का सारा मैसेज हमारे पास आया है नहीं आया है ये हमें पता चलेगा ए की पब्लिक की से, क्यों अगर वो मैसेज हमारा है ए की पब्लिक प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड सॉरी लॉग्ड होगा, तो वो हमें बताएगा कि हमारे मैसेज की इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है। सो ये तीन चीज़ें थी हमारी कि इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन कैसे हमारा प्रोवाइड हो रहा है पीजीपी में। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो कि यूज होते हैं पीजीपी में, लाइक अगर ए बी को मैसेज भेज रहे हैं, बट ए केवल बी को नहीं, हम कभी मेल भेजते हैं तो हम ब्रॉडकास्ट मेल ही भेजते हैं, हम काफियों को भेज देते हैं एक साथ में मैसेज, सो उसके लिए हमारी एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है की रिंग। अगर हमारा ए बहुतों को मेल भेज रहा है सो उसके पास उन सबकी पब्लिक कीज अवेलेबल होना जरूरी है, सो उसके लिए बस एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो की रिंग्स है, मतलब मल्टीपल उसके पास कीज होंगी, सो दैट टर्मिनोलॉजी इज यूज फॉर इन पी जी पी विच इज योर की रिंग्स, मल्टीपल कीज वेन वी आर सेंडिंग मैसेज टू मल्टीपल पर्सन। नेक्स्ट इज योर पी जी पी सर्टिफिकेट। पी जी पी सर्टिफिकेट क्या होता है, हमारे ऑथेंटिकेट करते हैं पब्लिक कीज को। अब हम लोग के पास जब मतलब डेटा शेयर करते हैं तो हमारे पास पब्लिक कीज होती हैं, बट ये पब्लिक कीज क्या ऑथेंटिकेट हैं, क्या ये मतलब किसी ट्रस्टेड ओनर से आई हैं, कहीं ये किसी मेलिशियस वेबसाइट से तो नहीं आई हैं, मतलब जब हमारा डेटा जैसे कि स्पैम में जाता है वो सब, क्योंकि वो जो हमारी कीज होती है मतलब जिससे आया होता है डेटा उसकी पब्लिक की ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है, इसीलिए वो स्पैम में चले जाता है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास कुछ पीजीपी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन मेंटेन करती है, कितने ट्रस्टफुल हैं वो पब्लिक कीज ये बताती है हमें,
जो हम पब्लिक कीज हमारे पास पड़ी हैं, मतलब वो कितनी ट्रस्टफुल हैं, क्या वो मैसेज मेलिशियस तो नहीं है, ये चीज़ भी हमें बीजीपी सर्टिफिकेट के थ्रू पता चल जाता है। दिस इज ऑल्सो डन विद योर यूजर एप्लीकेशन ओनली एंड नॉट बाय द यूजर। एंड फाइनल इज योर की रेवोकेशन। ये हमारा मेनली इसलिए होता है कि अब हम हमें कोई मैसेज भेज सकता है, हमारा कोई मैसेज भेज सकता है, हमसे कोई रिसीव कर सकता है मैसेज। हम नहीं चाहते कि उसके पास अब हमारी पब्लिक की रहे, मतलब हम किसी को एक तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अब हम उसका मैसेज देखें या फिर वो हमें कोई मैसेज भेजे। तो हम क्या करते हैं, की को रिवोकेट करते हैं। जो हमारी पब्लिक की बी के पास पड़ी है, हम उसे रिवोक कर लेंगे। और इस रिवोकेशन के लिए हम लोग हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक रिवोकेशन सर्टिफिकेट सेंड करती है। सो ये तो यूज़र ही करेगा ऑब्वियसली, जब ए को बी पे भरोसा नहीं है कि नहीं मुझे अब बी से मैसेज नहीं लेना है। सो ए क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा सिंपली। इसमें मतलब एग्जैक्टली ब्लॉक वाली चीज़ ये नहीं होती है, बट हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि ए जब बी से नहीं चाहता कोई मैसेज आए, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिवोकेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा और वो बी को सेंड करेगा, तो जो पब्लिक की है उसकी वो रिवोक हो जाएगी, अब बी के पास ए की पब्लिक की नहीं रहेगी। सो ये थी हमारी टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज हुई है, की रिंग्स, पीजीपी सर्टिफिकेट और की रिवोकेशन। सर्टिफिकेट हमारे ऑथेंटिकेट करने का काम आते हैं पब्लिक कीज को, की रिंग जो हमें मल्टीपल लोगों को भेजना होता है। सो नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है वो है एसमाइम। जस्ट आई विल गिव अ ब्रीफ आइडिया, क्योंकि हमने माइम ऑलरेडी पढ़ा है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रीवियस वीडियोज में। सो सिक्योर सिक्योरली अगर हम लोग कोई मल्टीपर्पज मेल भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग मल्टीमीडिया भेज सकते हैं साथ साथ में, उसको हम किस तरीके से सिक्योर करते हैं वो हमें बस ये याद रखना है कि एसमाइम की मदद से होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट वाले मैसेज जनरली हम पीजीपी से करते हैं, सो अगर मल्टीमीडिया मैसेजेस हैं वो हमारे एसमाइम देखता है कैसे, उसमें मतलब कीज होती हैं, वो सिमिलर वे है जैसे हमारा पीजीपी में कीज का फ्रेमवर्क चलता है, वैसे हमारे एसमाइम में भी चलता है। अलग अलग कीज हमारी होती है, इंक्रिप्शन होता है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी। सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी। सो एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी में हमने क्या देखा, लेट्स रिवाइज इट फास्ट। सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एप्लीकेशन लेयर में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो हम एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमने जो लिया वो था हमारा ईमेल का, जिसमें हम लोग पीजीपी यूज़ करेंगे, इसमें हमारा सेशन क्रिएट नहीं होता है। देन हमने देखा की एक्सचेंज इसमें कैसे होता है, कितनी लेयर्स हम कीज की डाल रहे हैं ताकि हमें इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी तीनों मेंटेन कर सके हम लोग अपना जब डेटा शेयर कर रहे हैं उसमें, तो ये सब हमने की एक्सचेंज में देखा। नेक्स्ट था हमारा टर्म जो हमारी बीजीपी में यूज होती है, एंड फाइनल की एसमाइम हमारा मतलब किस चीज के लिए हमारा एसमाइम है, वो है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के लिए हमारा एसमाइम यूज होता है एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि एप्लीकेशन लेयर में हम लोग सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस एंड्स योर लेयर सिक्योरिटी। हमने तीन लेयर की सिक्योरिटी देखी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।